ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष सतवीर चौधरी। सतवीर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है युवाओं की, छात्रों की। केवल एक छोटा सा चुनाव नहीं है, चुनाव तो तमाम हथकंडों से या अपने तरीकों से राजनीतिक कौशल से जीत गए होंगे, लेकिन जीतने के बाद जो आज बड़ी जिम्मेदारी है 25,000 छात्र छात्राओं की, उनमें छात्राओं की बहुत बड़ी है। क्योंकि जिस तरह से महारानी कॉलेज के बाहर जिस तरह से छेड़छाड़ की लगातार घटनाएं होती हैं, विश्वविद्यालय परिसर में जिस तरह से छात्राओं का अंधेरे में निकलना बड़ा मुश्किल होता है, छात्राओं के छात्रावासों में जिस तरह का दुर्व्यवहार हो जाता है, उन सबसे कैसे मुकाबला करने के क्या सोचते हो? विश्वविद्यालय में हमारा छात्र संघ पिछली बार 4-0 से जीत के आया था। उसमें भी हमने ये मुद्दा लेके चुनाव लड़ा था कि छात्राओं को हम पूर्ण रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय में और इसके संकटों को लोजम में सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। उस दिशा में पिछली बार छात्र संघ ने एक ठोस कदम भी उठाया, जिसका परिणाम ये निकला कि विश्वविद्यालय परिसर में, कैंपस में पूरे CCTV कैमरे लगे। छात्राओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों से युक्त हुआ पूरा विश्वविद्यालय कैंपस। साथ ही वहाँ महिला सुरक्षा गार्ड और गार्डों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। और आगामी हमारा ये मुद्दा भी रहेगा कि जो महारानी कॉलेज हैं उसमें विशेषकर कहीं ना कहीं छात्राएं जो है खुद को असुरक्षित महसूस करती है, उसके लिए हम महारानी कॉलेज परिसर में और साथ ही जो आसपास का सराउंडिंग एरिया है वहाँ भी CCTV कैमरे और साथ ही जो महिला सुरक्षा गार्ड या पुरुष के सुरक्षा गार्ड हैं उनके लिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन से डिमांड रखेंगे कि ये जल्द से जल्द अतिशीघ्र व्यवस्था हो इनकी। सतबीर, एक और बड़ी बात है कि मैंने उठाया था अध्ययन का मुद्दा, राजस्थान विश्वविद्यालय का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, सोशल साइंस के डिपार्टमेंट देश में नामी डिपार्टमेंट्स थे। कभी यहाँ की रिसर्च जो है वो दुनिया में पूछती, उनके पेपर दुनिया भर के सेमिनारों में पढ़े जाते थे। हालत बहुत ख़राब है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अपेक्ष में रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ कहीं ना कहीं जीत के आता है। तो हम आपस में सामंजस्य बिठा के जो भी रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव की, जो भी रिसर्च के स्कॉलरों की जो भी समस्या है या इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो शोधार्थी हैं उनकी जो भी कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही है, उन सबको हम प्राथमिकता देते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के विकास के बारे में और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र वर्ग के उत्थान के बारे में हम निरंतर प्रयास करेंगे। सरकार तो भाजपा की है, कांग्रेस की तो है नहीं, कौन मानेगा सतवीर तुम्हारी बात? लेकिन मैं बताना चाह, कुलपति भी जैसा NSUI ने विरोध किया था, कहा था कि ये तो संघ का आदमी है, RSS का आदमी है, तो कुलपति भी कोई सहयोग नहीं करने वाला, कैसे करोगे? ना कुलपति NSUI का, ना सरकार NSUI की। हमें इस सरकार के, इस राज्य की सरकार हो चाहे इस देश की सरकार हो, उसके विरोध में कहीं भी हमें सड़कों पे उतरना पड़े या कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम आम छात्र को वरीयता देके उसकी आवश्यक उसकी समस्याओं को प्रायोरिटी देके हम पूरे साल भर उनके हितों के लिए कार्य करेंगे, निश्चित रूप से उनकी मांगों के लिए कार्य करेंगे। सतबीर, तुम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो कि सड़क पर लड़ने की बात है, तुम्हारे पार्टी की माली हालत बहुत ख़राब है, किस तरह से कांग्रेस सिमटती जा रही है, कहीं पांव रखने को जगह नहीं मिल रही, एक एक करके उत्तर भारत से गायब हो गई, अब बिहार बचा है। बिहार में भी जो हालात हैं खुद जानते हो, 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, फिर किसके दम पे, किस नेता के दम पे तुम सड़क पे उतरने की बात करते हो? आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो NSUI में एक चुनाव की प्रणाली जो तैयार की है, उसमें कहीं ना कहीं एक ग्राउंड लेवल का वर्कर भी है, वो इस NSUI में चुन के आता है, उसको एक मंच मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ये नहीं है कि हमारे किसी बड़े नेता के दबाव से किसी को पद दे दिया या किसी ने किसी उसको लेकर तो सवाल उठने लगे हैं, कहने लगे हैं NSUI के चुनाव में छात्र संघ के चुनाव से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, उस पर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के बड़े नेता अब इन चुनावों का विरोध करने लगे हैं और उसी के कारण कांग्रेस मेन पार्टी के तो चुनाव के सिद्धांत को छोड़ दिया गया, कहा कि नहीं NSUI तक ही ठीक है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि NSUI संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है, पूरे
राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, और जिस प्रकार का लोकतांत्रिक सिस्टम इस NSUA छात्र संगठन में है, पर नेता तो बहुत कमजोर है। राहुल गांधी के भरोसे जो समस्या आते ही इंडिया से बाहर चले जाते हैं, कहीं गुमनाम हो जाते हैं, ऐसे नेता के भरोसे कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हो सतबीर? मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा जिस प्रकार के नतीजे जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में आए हैं। नहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय के नतीजे तो तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। राहुल गांधी ने तो पूरे देश में मेहनत की थी और देश उनकी मेहनत का परिणाम सबको पता है कि कितने सीटों में सिमट के रह गई है कांग्रेस पार्टी, और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी पता लग जाएगा कि राहुल गांधी की मेहनत कितनी काम आएगी। इस राज्य का ही नहीं बल्कि इस पूरे देश का युवा आज राहुल गांधी की सोच के साथ जुड़ा है। वोट नहीं दे रहा, लेकिन आने वाले समय में ये सिद्ध हो जाएगा कि इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश के महिलाएं और इस देश का बुजुर्ग कहीं ना कहीं राहुल गांधी से ही बिलोंग करता है। सतवीर 10 साल राहुल गांधी को दिए थे, 2004 से 2014। उसके बाद लोगों ने हाथ जोड़ के कहा राहुल बाबा अब माफ करो। देखिए, मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार के झूठे वादे करके जो राज्य में सरकार बनी, जो देश में सरकार बनी, उससे कहीं ना कहीं युवा पूर्ण रूप से व्यथित हो चुका है। इस देश का युवा ये चाह रहा है कि जिस प्रकार के झूठे वादे इन्होंने किए, 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कहीं ना कहीं युवाओं से जुड़े जो भी वादे उनमें से एक भी पूरा नहीं कर पाए, और जिन अच्छे दिनों की ये बात कर रहे थे उन अच्छे दिनों का क्या हुआ। इस देश का युवा आज ये जवाब मांग रहा है, और आपको मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार की क्रांति चल रही है वो आने वाले दिनों में इस राजस्थान में ही नहीं बल्कि इस पूरे देश में कांग्रेस पार्टी फिर दोबारा सत्ता में आएगी, और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, सतवीर देश का आम युवा, देश का आम नागरिक 65 साल की आज़ादी के बाद के भी हिसाब मांगता है कांग्रेस से। 55 साल उसने देश की राजनीति पे शासन किया, क्या किया, कहाँ रसातल पे पहुँचा दिया देश को, भ्रष्टाचार के गर्त में डाल दिया, ये भी पूछता है। तो आखिर में कैसे लगता है कि अच्छे दिन नहीं आए नरेंद्र मोदी के झूठे वादों के चलते या राज्य सरकार की नाकामी के चलते फिर जनता कांग्रेस की ओर मुड़ जाएगी? देखिए, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा, बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिन छात्रों ने मुझ पर विश्वास करके राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरते हुए एक राजस्थान विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के एक आम छात्र को मजबूत और सशक्त करने का प्रयास करूँगा। ये सतवीर चौधरी को दिया या राहुल गांधी को दिया ये वोट? मैं बताना, राहुल गांधी तो आए नहीं थे वोट मांगने। जिस प्रकार का वातावरण इस पूरे देश में और इस पूरे राज्य भर में जो वातावरण है फिलहाल युवाओं में, वो कहीं ना कहीं इस देश के नेता के पक्ष में, राहुल गांधी जी के पक्ष में मतदान किया है छात्रों ने, और उनकी सोच है कि जिस प्रकार का छलावा करके ये सरकारें, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, अभी 129 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, उनमें कांग्रेस बहुत बुरी तरह से पराजित हो गई। पिछली बार जब छात्र संघ के चुनाव हुए थे उस समय लोकसभा और विधानसभा हम हार के आए थे, छात्र संघ का चुनाव जीता हमने, सभी राजस्थान की लगभग यूनिवर्सिटियाँ सब जीती। इस बार भी जब हम नगर निकाय के, नगर पालिका के चुनाव हारे, उसके बाद राजस्थान में फिर एक बार छात्र संघ चुनाव के माध्यम से हमने वापसी की, और NSUI संगठन कांग्रेस पार्टी को एक ऑक्सीजन के रूप में कहीं ना कहीं, मैंने तुम्हारा कहना है कि बाकी पार्टी के बाकी ऑर्गेनाइजेशन तो सुस्त हैं लेकिन NSUI में वो शक्ति आ चुकी है और पार्टी को तैयार कर रहा है। निश्चित रूप से इस देश का और इस पूरे राज्य का युवा जाग चुका है, और वो ये समझ चुका है कि जिस प्रकार का छलावा इस सरकार ने किया है, जो जिस प्रकार की नीतियां ये बना रहे हैं उसके विरोध में आने वाले दिनों में वो सड़क, बिहार में कांग्रेस बहुत कठोर संघर्ष कर रही है, बहुत ही एकदम गला काट। वैसे ही JDU और लालू और नीतीश ने उनको 50 सीटों तक सिमटा दिया है, अब 50 सीटें भी बचाने के लिए, उस पर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो ऐसे में क्या NSUI और आप जैसे नेता आ जाएंगे? हम राहुल गांधी जी के सोच के साथ जुड़े हैं और उनके हर संघर्ष में हम साथ हैं। हमारे देश के नहीं, इस पूरे देश के युवाओं की आवाज़ जो है हमारे नेता राहुल गांधी जी है, और उनकी सोच के साथ हम काम करेंगे। जिस प्रकार का संदेश और जिस प्रकार का समर्थन हमें मिल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा इस राज्य में नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, और निश्चित रूप से युवाओं के हितों में और किसानों के हितों में वो काम करेगी। सर, ऐसे ऐसे बताओ जो हालात हैं, अंदर की बातें, कैसे उभरेगी कांग्रेस पार्टी? NSUI को तो उबार लिया, तो कोई ना कोई तुम्हारे पास रामबाण होगा कि
कि NSUI को विश्वविद्यालय में, क्योंकि NSUI की जितनी दुर्गति थी विश्वविद्यालय में, राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस तरह के हालात और जिस तरह की कमजोर कड़ी थी NSUI, उसको बड़ा मजबूत कर दिया, कैसे किया तुमने? राजस्थान विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि इस पूरे प्रदेश में NSUI मजबूत होकर उभरी है। और उसका क्या रामबाण क्या है, कैसे हुई? कहीं ना कहीं जो आम छात्र है या कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में छात्रों की और जो अन्य विश्वविद्यालय जो पूरे प्रदेश में छात्र हैं उनकी समस्याओं के लिए हम उनके बीच में गए और उनकी समस्याओं को लेकर हम सड़कों पे आए, पूरे साल भर 365 दिन मौजूद रहकर उनकी बीच में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं में उनके हितों के लिए हमने प्रयास किए। साथ ही जिस प्रकार का ये वातावरण बन रहा है राज्य सरकार युवाओं के विरोध, यानी कि तुम्हारी मेहनत सबसे ज़्यादा काम आई, 365 दिन जो लगातार लगे रहे। अभी राहुल गांधी से मिले थे, उनको ये रामबाण दिया क्या, भैया 365 दिन लगे रहो, बीच बीच में छुट्टियाँ मनाने बाहर मत जाओ, जो एक वैकेशन लेके चले जाते हो उससे सारा गुड़ गोबर हो जाता है, बताया नहीं क्या उनको, कोई सलाह दी क्या? देखिए हम बताना चाहेंगे कि राहुल जी हमारे सीनियर नेता है, तो सलाह तो दे सकते हैं। उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें किसी प्रकार से उनको सजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सब कुछ कहने का करने का बोलने का अधिकार है। एक सक्सेस स्टोरी है तुम्हारी, मेहनत करके NSUI को खड़ा किया, 365 दिन लगातार लगे रहे, विश्वविद्यालय में छुट्टी होती है 52 छुट्टी तो होती हैं संडे की, उसके बावजूद 365 दिन लगे रहे, और राहुल गांधी 52 दिन लगते हैं और बाकी दिन छुट्टी पे चले जाते हैं, तो क्या लगता नहीं है कि अगर राहुल गांधी 365 दिन तुम्हारी तरह लगें तो देश में कांग्रेस का नक्शा बदल जाएगा, देश में कांग्रेस वापस खड़ी हो जाएगी? देखिए भारत देश बहुत बड़ा देश है, इसमें काफ़ी आबादी है, तो कहीं ना कहीं राहुल जी भी उनके हिसाब से रूपरेखा तय करके और कार्य करते हैं, निरंतर कार्य करते हैं, किसानों के बीच छुट्टी लेके चले, गरीबों के बीच में जाते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं। सतवीर एक लगता नहीं है क्या कि कांग्रेस को बचाने के लिए कहीं ना कहीं जन्माष्टमी का दिन है आज, कृष्ण से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान कृष्ण अब तो कांग्रेस की लाज बचा लो। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि मानता हूँ आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हमारे नेता ये मान के चलो आप, राहुल गांधी जी हमारे लिए कृष्ण भगवान का अवतार बन के आए हैं, और युवाओं के नेतृत्व में कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी हमारे युवाओं के हित में काम कर रहे हैं, किसानों को जोड़कर काम कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है अभी जो इन्होंने भूमि अधिग्रहण का जो बिल लाया उसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी उतरी, सड़कों तक उतरी, सभी राज्यों में पूरे देश में पूरे प्रदेश में जो प्रदर्शन हुए उसका परिणाम निकला कि किसानों को आने वाले दिनों पूरी तरह से यह है कि कांग्रेस में कृष्ण का अवतार राहुल गांधी के तौर पे हो चुका है और कांग्रेस बहुत जल्दी उभर जाएगी। जी निश्चित रूप से हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है। ये थे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष सतवीर, इसलिए कांग्रेस को अब निराश होने की जरूरत नहीं है। सतवीर एकदम नए नेता हैं लेकिन कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो कांग्रेस के नए कृष्ण हैं, और कृष्ण जब आ चुके हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता अब डरे नहीं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार।